आपने कभी ना कभी किसी ना किसी ई कॉमर्स कंपनी से खरीदारी जरूर की होगी। यदि आपने नहीं तो आपके परिवार में किसी ने की होगी। आपने कभी सोचा है कि ये सामान आपके पास पहुंचाया कैसे जाता है? आमतौर पर लोग समझते हैं कि Amazon, Flipkart या जिस भी कंपनी से माल खरीदा गया है वही कंपनी आपके घर तक सामान पहुंचाती भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ई-कॉमर्स कंपनियां किसी लॉजिस्टिक पार्टनर से कोलैबोरेशन करती हैं। यही लॉजिस्टिक पार्टनर इन कंपनियों के सामान को आपके घर तक पहुंचाते हैं। इसी प्रक्रिया के बारे में आपको बताने के लिए हमने दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम के तावड़ू गेटवे स्थित लॉजिस्टिक कंपनी डेलीवरी का दौरा किया। तावड़ू गेटवे पर आप पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि यहां डेलीवरी ने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाई है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस इस टर्मिनल को देखकर लगता है जैसे हम भारत में नहीं कहीं विदेश में हैं। चाहे छोटा पार्सल हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी जैसे बड़े पार्सल की डिलीवरी, यहां सारा काम मशीनों से होता है। कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। हालांकि यहां ढेर सारे लोगों को काम पर लगाया जरूर गया है, लेकिन वे सिर्फ सपोर्ट करते हैं। कोई भी पैकेट कहां जाएगा उसकी छटाई मशीन ही करती है। अब सोचिए, ये वीडियो देखने से पहले हमें यही लगता था कि हमने सामान ऑर्डर कर दिया, उसके बाद कोई बैठकर उसे पैक करता होगा और घर पहुंचा देता होगा। लेकिन ऑर्डर करने से लेकर घर पर डिलीवरी के बीच कितना कुछ होता है इसका अंदाजा अब जरूर लग गया होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इन मशीनों पर चलते हुए ये पार्सल अपने सही डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचते हैं? तो इसके जवाब में डिलीवरी के चीफ बिजनेस ऑफिसर संदीप कुमार बरसिया बताते हैं कि उनके यहां सब कुछ बारकोड पर आधारित है। जैसे ही किसी ई कॉमर्स पार्टनर से उनके पास सामान आता है, उसे ट्रक से अनलोड कर ऑटोमेटिकली चलने वाले पट्टे पर डाल दिया जाता है। उसके बाद मशीन अपने आप काम करती है। मशीन ही बार कोड से सामान का पता रीड करती है और उसे सही बेल्ट पर भेजती है। इसके बाद उस शहर में जाने वाली बोरी में उस सामान को भर दिया जाता है। रेड सी रिपोर्ट के अनुसार डिलीवरी देश की तेजी से बढ़ती लॉजिस्टिक कंपनी है। ये अपने ऑपरेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करती है, तभी तो इसकी डिलीवरी में कोई गड़बड़ी नहीं होती। लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप डिलीवरी का आईपीओ 11 मई को खुला था और 13 मई को बंद हुआ। कंपनी ने अपने 5,235 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 462 से 487 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक ऑफर में 10 करोड़ 17 लाख 4,080 शेयरों के लिए बोलियां लगी, जबकि ऑफर पर 6 करोड़ 25 लाख 41,023 शेयर थे। डिलीवरी के शेयरों का अलॉटमेंट इसी हफ्ते गुरुवार 19 मई 2022 को होने की उम्मीद है, और यदि अलॉटमेंट हो जाता है तो बोलीदाताओं के डीमैट अकाउंट में शेयरों का क्रेडिट 23 मई को किया जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन के लिए शिशिर चौरसिया की रिपोर्ट।